तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से जिसका नाम एरिच है, जिसे प्राचीन काल में एरिकच कहा जाता था, जो कि राइट नाउ झांसी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, जो कि उत्तर प्रदेश में। एरिच ही राजधानी थी हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप को एक वरदान प्राप्त था ब्रह्मा भगवान से। उसने बहुत सारी तपस्या करने के बाद वो प्राप्त किया था कि न तो उसे कोई नर मार सकता है, ना नारी, ना कोई भगवान मार सकता है, ना वो दिन में मर सकता है, ना वो रात में। तो जब उसे वो वरदान प्राप्त हुआ तो उसे लगा कि यार मैं तो बहुत सर्वशक्तिशाली हूँ। बेसिकली वो डेमन किंग था, राक्षस का राजा। तो उसे लगा कि लोग मेरी ही पूजा क्यों नहीं करते, भगवान की पूजा क्यों करते हैं। और लोग जो उसकी पूजा नहीं करते थे वो उन पर यातनाएं करता था। एक जगह थी, एक गाँव था एरिच के पास, एरिकच के पास, उसका नाम था डिकोली। डिकोली के पास एक पर्वत था डेकांचल। उस पर्वत के नीचे बेतवा रिवर बहती थी नदी। उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे, तो वो लोगों को उस नदी में फेंकवा देता। तो लेकिन एक आयरनी ऑफ द सिचुएशन ये थी कि प्रहलाद जो उसका पुत्र था वो बहुत बड़ा डिवोटी था विष्णु भगवान का। तो विष्णु भगवान का डिवोटी था, तो प्रहलाद को देख के उसने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। तो उसने प्रहलाद को भी एक बार ऊपर से डेकांचल पर्वत से नीचे गिर फेंकवा दिया था। और जहाँ वो गिरा था आज भी वहाँ पर प्रहलाद कुंड मौजूद है। तो लेकिन विष्णु भगवान ने उसे बचा लिया था। उसके बाद उसने सोचा कि प्रहलाद को रास्ते से हटाना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके मेरे लिए खतरा साबित ना हो जाए। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को भी एक बून प्राप्त था, मतलब एक वरदान था कि वो जो है आग में नहीं जल सकती। तो होलिका जो है वो ट्रिक करके अपने झांसे में ले जाके प्रहलाद को अपने साथ आग पे बैठा लेती है और अपनी चुनरी ओढ़ लेती है, ओढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन भगवान की माया थी कि जैसे ही वो चुनरी ओढ़ने की कोशिश करती तो हवा चलती है और वो चुनरी जिससे वो बच सकती थी आग से, वो चुनरी उठ के जो है प्रहलाद के ऊपर जाके लग जाती है और होलिका जो है जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। तो इसी ही होलिका दहन कहा जाता है। और दिस इज कॉल्ड द विक्ट्री ऑफ राइटियसनेस ओवर रॉन्गनेस, और ये जो मतलब सत्यता की विजय होती है बुराई पे। तो इसलिए लोग एक दूसरे के ऊपर रंग फेंक के मतलब होलिका की राग उठा के एक दूसरे के लगाते थे। अब वो थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया, अब लोग एक दूसरे के रंग लगाते हैं, तो इसलिए होली का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो सब जब होलिका का दहन हो जाता है तो हिरण्यकश्यप देखता है कि ये इससे भी नहीं मरा, तो हिरण्यकश्यप खुद उसे मारने के लिए भागता है प्रहलाद को। तभी भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेके आते हैं और उसे गोधूली बेला, गोधूली बेला का मतलब होता है जब सुबह सुबह प्राचीन काल में गायों को चराने ले जाते थे तो वो शाम को वापस आते थे। और जो शाम का समय होता है ना वो दिन होती है ना वो रात होता है। और नरसिंह भगवान ना नर थे ना भगवान थे, तो उन्होंने खुद से मार के इस बुराई पे सत्यता की विजय कराई। और इसी चीज़ के लिए हम होली सेलिब्रेट करते हैं। तो मतलब होली जो है, होली का बेसिक ओरिजिन जो माना जाता है वो झांसी से शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश से। सो हैप्पी होली टू गाइस, और सब अच्छे से खेलिए होली और बुराई पर अच्छाई जीत करिए। थैंक यू।